कोई पता नहीं लगा, कोई नहीं, कोई सर कोई यहाँ आया नहीं अभी तक, कोई कोई व्यक्ति नहीं आया यहाँ, ना कोई हमारे यहाँ विधायक आया, ना एमपी आया, ना एमएलए आया, कोई नहीं आया, ना पूछने आया कि यहाँ के लोग कैसे किस परिस्थिति में जी रहे हैं, कोई नहीं पूछने आया। यहाँ यहाँ और लोग भी है जो परेशानियों से जूझ रहे हैं। एलपीजी जैसे हम आप लोगों के पास आए हुए हैं, यहाँ पे कोई सुविधा मिल रही है आप लोगों को? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कोई नेता प्रधान नेता कोई नहीं आया। एक चार पाँच दिन से बीत गए, इतने लोग परेशान हैं कि इतने लोगों के घरों में राशन पानी नहीं, गैस सिलेंडर नहीं है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। और गैस सिलेंडर तो आप ला सकते हो? गैस सिलेंडर ला सकते हैं जब पैसा होगा उस परिवार के पास, तभी तो पैसा लाएंगे। यानी कि पैसा भी नहीं, जब पैसा नहीं है हमारे पास तो हम तो रोज के कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं और बच्चे भी हैं। जो सरकार है वो राशन बांट रही है, जगह-जगह राशन की वो हमें कोई राशन नहीं मिला। हमें कल सुनवाई किसी ने बोला था कि वहाँ राशन बट रहा, चले जाओ, पायल पे गए थे हम लोग कल, लेकिन वहाँ कोई राशन नहीं मिला। और वो भी किसी ने कहा कि एक किलो चावल मिल रहा है, एक किलो चावल लाके क्या हम नमक डाल के तोड़ेंगे? उस चावल को कोई खाएगा? अपने बच्चों को खिलाएंगे? उसके साथ तेल चाहिए, मसाले चाहिए, नमक मिर्च चाहिए, हर चीज चाहिए होता ना, तो वो सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? कल सिलेंडर वाला आया था, बोला फ्री नहीं कोई है, आप फ्री नहीं मिलेगा, पैसा आपको देना पड़ेगा, आगे हाँ तो सिलेंडर फ्री तो है, गवर्नमेंट ने कभी बोला फ्री नहीं तो बोल तो रहे हैं सर, गवर्नमेंट तो बोला है नहीं सर, सिलेंडर पहली तारीख से शुरू है फ्री में। किसने बोला है? मोदी बोला, केजरीवाल बोला, हाँ जी देख ला रहा है, यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, मास्क तो 300 का मिला मास्क, अब यहाँ कोई दे नहीं रहा है, ना कहीं राशन दूर दूर बट रहा है, कंपनी में कोई सुविधा नहीं है, पानी आ रहा है। मास्क कितने का बिक रहा है? मास्क 300-250 रुपए का मास्क, 300 रुपए कहाँ से चला गया? छोटे छोटे बच्चे भी परेशान है। चलना भाई, एक पीटीसी मारो, पीटीसी मारो, रिकॉर्डिंग चला दे। हाँ चला दे।